हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ डॉक्टर ए कुरैशी एंड टुडेज लेक्चर्स टॉपिक इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर बोथ द कोर्सेस एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट एंड क्रॉप फिजियोलॉजी डियर स्टूडेंट्स आज का जो विषय है सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि सॉयल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम स्पैक या मृदा पादप जल का सतत जो संबंध है जिसे हम स्पैक कहते हैं और मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से जल स्थिरांक हैं जिसे हम वाटर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं साथ ही साथ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है और जल का किस प्रकार पौधों के द्वारा अवशोषण किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या होती है तो डियर स्टूडेंट्स पौधों का आ, आ, मृदा के साथ एवं वातावरण के साथ एरियल एटमॉस्फेयर एवं एडेपिक एटमॉस्फेयर के साथ गहरा संबंध होता है और यह संबंध सतत होता है जिसे हम स्पैक भी कहते हैं या सॉयल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम भी कहते हैं इसमें मृदा में उपस्थित जो जल हैं उनका अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है और अंत में वाष्पोसर्जन की क्रिया के द्वारा उसे वातावरण में उत्सर्जित किया जा कर दिया जाता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं तो स्पैक एक सतत जल का मूवमेंट है मृदा से जल की जल की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है जो मृदा में मौजूद जो जल हैं उनका पौधों के द्वारा अवशोषण के उपरांत वातावरण में उसे छोड़ देना तो इस प्रकार से जो पौधों का मृदा के साथ एवं पौधों का वातावरण के साथ जो एक सतत संबंध जो बनता है वो वाटर के कारण होता है जिसमें एक कंटिन्यूस एक फिल्म बनी होती है वाटर की और इस संबंध को हम कहते हैं सॉयल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम या स्पैक और इस शब्द का पहली बार जो उपयोग है वो जॉन फिलिप ने किया था 1966 में तो इसे समझ में आता है कि पौधों का मृदा के साथ एवं एटमॉस्फेयर के साथ गहरा संबंध होता है एवं सतत संबंध होता है एक सतत संबंध जल के कारण होता है जो कि एक महीन फिल्म के रूप में मृदा से लेकर पौधों से होते हुए वो वातावरण में पुनः छोड़ दिया जाता है तो और ये अल्टीमेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी प्रभावित करती हैं तो जल का क्या महत्व है पौधों में आप सभी को ज्ञात है कि जल का आ, हमारे जो वनस्पति या पादप आ, जो हैं वो उनका पचासी से पंचानवे प्रतिशत जो शुष्क भार है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो जल से बना हुआ है और इसके साथ ही साथ वह पादप कोशिका के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है सेल की टर्जिडिटी बनी रहती है सेल फूला हुआ रहता है जिसके कारण सेल में इलॉन्गेशन और ग्रोथ की प्रक्रिया पूर्ण होती है इसके साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन जो कि एक नेसेसरी एविल भी जिसे हम कहते हैं जिसके द्वारा जल का अवशोषण कर उसे वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है वाष्प के रूप में ट्रांसपिरेशन के लिए भी ज़रूरी है तो इसी ट्रांसपिरेशन के द्वारा ट्रांसपिरेशन पुल का निर्माण होता है जल का अवशोषण होता है सक्षम प्रेशर के निर्माण के द्वारा और एक कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स को प्रदान करता है तो जल का जैसा कि ज्ञात है कि जल का बहुत अधिक महत्व है और ये जल की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं जो कि और किसी कंपाउंड में नहीं होता है जैसा कि इसका स्ट्रक्चर है ये बाइपोलर होते हैं और बाइपोलर होने के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है और चूँकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस रहते हैं इसलिए ये बाइपोलर होते हैं और रिएक्टिव होते हैं यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि जिसमें मृदा जल में मृदा जल में जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जल में घुलनशील होते हैं और जल के द्वारा ही ये पौधों को आ, प्राप्त होता है इसके साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा उष्मा जिसे हम कहते हैं वो भी अत्यधिक हो, अधिक होती है जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉयलिंग पॉइंट है दोनों अधिक होते हैं या हीट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन वास्पोसर्जन की जो उष्मा है वो भी अधिक होती है जो कि ज़ीरो से लेकर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है इसके साथ ही साथ इसमें सरफेस टेंशन भी पाया जाता है सरफेस टेंशन जो कि जल के अणुओं के बीच में जो कोहेशन की प्रक्रिया होती है आपस में जो आकर्षित रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े रहते हैं जिसके कारण ये हमेशा तनाव में रहते हैं जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं और इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी होती है जिसे हम कोहेशन कहते हैं कोहेशन से तात्पर्य है कि जल का आपस में चिपकना समान अणु वालों अड़ुओ का आपस में चिपकना तो जल आपस में चिपके होते हैं उसे हम उसे हम अलग कर पाना मुश्किल होता है जिसे हम कोहेशन कहते हैं और एडहेशन से तात्पर्य है कि दो असमान सतहों के बीच का आकर्षण जैसे किसी ठोस सतह है या पादप सतह है उसके साथ जल का या मृदा की सतह है उसके साथ जल का आकर्षण उसे हम एड्शन कहते हैं तो ये सारी जो विशेषताएं हैं जल को यूनिक बनाती हैं और इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका असर वाटर एब्जॉर्बशन में वाटर के मूवमेंट में और वाटर की जो बिहेवियर है सॉयल में उसको नियंत्रित करता है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो मॉइश्चर का जो एक्सट्रेक्शन है पौधों के द्वारा जो मॉइस्चर का एक्सट्रेसन है ऊपरी सतह पर सर्वाधिक होता है चालीस प्रतिशत और जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं मॉइस्चर एक्सट्रेक्शन जो है वो कम होते जाता है तो जल की जो प्रकृति है जल का जो बिहेवियर है या उसका मूवमेंट है वो मृदा मृदा पर निर्भर करती है जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो मृदा होती है वो एक ट्राई सिस्टम होता है जो कि सॉलिड के रूप में रहता है लिक्विड के रूप में रहता है और उसमें जो पोर स्पेसिस रहते हैं उसमें गैसियस पार्टिकुलेट्स भी होते हैं अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 25 प्रतिशत जो है वो मृदा वायु होती है 25 प्रतिशत मृदा जल होता है और साथ ही साथ जो मिनरल जो होते हैं सॉइल मिनरल्स जिसे हम कहते हैं उसका प्रपोशन 45 प्रतिशत तक होता है तो जो 50 प्रतिशत जो हवा और जल का जो भाग है यह निर्भर करता है कि उसका सॉयल का टेक्सचर कैसा है सैंडी है सिल्ट है या क्ले तरह की सॉइल है और उसमें जो रंध्र अवकाश जो मौजूद हैं जिसे हम माइक्रोपोर और माइक मैक्रोपोर कहते हैं उस पर निर्भर करता है अगर हम सॉइल में जल की प्रकृति के बारे में बात करें तो एक सिंपल सा टेस्ट हम आ, सभी जानते हैं इसके बारे में कि हम उसे स्पर्श कर या महसूस कर हम जान सकते हैं कि मृदा जो है सूखी है या गीली है या अत्यधिक गीली है हम छूकर उसे ज्ञात कर सकते हैं तो अगर हम मृदा जल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर उसकी भौतिक वर्गीकरण की बात करें मृदा जल की तो तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर दूसरा होता है कैपलरी वाटर और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये तीन तरह के जल होते हैं जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मृदा में दो तरह के पोर स्पेसेस होते हैं पहला बड़े पोर स्पेसेस जिसे हम मैक्रोपोर्स कहते हैं और दूसरा होता है सूक्ष्म रंध्र अवकाश जिसे हम माइक्रोपोर्स कहते हैं और इस पोर्स में हवा एवं जल का आवागमन या मूवमेंट होता रहता है और इसी पोर्स के द्वारा ही इसी पोर्स के द्वारा ही जो आ, रूट हेयर्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं जैसा कि आ, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं तीन अलग अलग तरह की मृदा जल के बारे में बताया गया है कि जैसे ही वर्षा होती है या फिर सिंचाई के द्वारा भूमि में आ, पानी दिया जाता है तो इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से पानी भूमि में प्रवेश करता है ज़मीन में प्रवेश करता है और माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों भर जाते हैं और वो सेचुरेट हो जाती है जब इसके सूक्ष्म एवं वृहत जो अवकाश हैं वो संतृप्त हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो जड़ क्षेत्र के नीचे चले जाती हैं या जमीन के नीचे चली जाती हैं जिसे हम परकुलेशन कहते हैं या ढाल की स्थिति में वो निचले स्थानों पर बह जाती हैं तो यह स्थिति जब माइक्रोपोर एवं मैक्रोपोर दोनों जल से भर जाएं तो उस स्थिति को हम सेचुरेटेड या संतृप्त अवस्था कहते हैं और इसका जो अपोजिट है वो असंतृप्त अवस्था है जिसमें सूखापन संतृप्त अवस्था गीलापन को प्रदर्शित करता है गीला या अत्यधिक गीला को और सूखापन ये असंतृप्त अवस्था को प्रदर्शित करता है जिसमें मैक्रोपोर से पानी आ, सबसे पहले मैक्रोपोर से पानी निकलता है और मैक्रोपोर्स जो बड़े अवकाश हैं उससे पानी निकलने के बाद जो जल शेष बचती है जो कि माइक्रोपोर्स में रहते हैं या सूक्ष्म रंध्रवकाश में रहते हैं उस स्थिति को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं जो कि पौधों को अवेलेबल होता है और इस वाटर को हम कैपलरी वाटर भी कहते हैं तीसरी स्थिति होती है सूखेपन की जब माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों से जल का निष्कासन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जल के जो महीन जो जल का जल जो है एक महीन परत के रूप में मृदा के कणों से चिपकी रहती है या वेपर फॉर्म में या वाष्प के रूप में चिपकी रहती हैं जिस जो कि बहुत अधिक टेंशन में होते हैं जिसे पौधों के द्वारा इसे ले पाना मुश्किल होता है तो इस स्थिति को हम विल्टिंग पॉइंट कहते हैं जब पौधा मृदा से जल अवशोषित करने में समर्थ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति अनसेचुरेटेड कंडीशन कहलाती है या संतृप्त अवस्था कहलाती है या मृदा जो है शुष्क हो जाती है या सूखी हो जाती है तो इसमें आप देख सकते हैं तीन तरह के वाटर्स हैं ग्रेविटेशनल वाटर जो कि संतृप्त अवस्था में होती है जब मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों जल से भरे रहते हैं दूसरी स्थिति कैपलरी वाटर की जो कि अवेलेबल वाटर होती है पौधों को जिसमें से जब आ, आ, मैक्रोपोर से पानी निकल जाता है और माइक्रोपोर में केवल पानी रहता है तो वो अवस्था कैपलरी वाटर कहलाती है और तीसरी स्थिति होती है जब जल वाष्प के रूप में मृदा करके चारों तरफ चिपकी रहती है एब्जॉर्ब रहती हैं तो उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं या टाइटली हेल्ड वाटर भी कहते हैं इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की जब मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से तात्पर्य यह है कि वह जल की जलधार मृदा की अधिकतम जल धारण क्षमता को प्रदर्शित करता है ज, जब मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों जल से भरे हुए हों तो उसे हम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो सेचुरेशन वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर ओवन ड्राई वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है और इन्हीं दोनों के बीच में आप देख सकते हैं दो स्थिरांक हैं इनफैक्ट तीन स्थिरांक होते हैं पहला है फील्ड कैपेसिटी जो कि ग्रेविटेशन वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बीच में होता है या यूं कहें कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच के जो जल है वह उपलब्ध जल होता है या कैपलरी वाटर होता है या इसी आ, टेंशन में या इसी तनाव में जल पौधों के लिए आ, उपलब्ध होते हैं या जल जो है उन्हें अवशोषित करता है अगर हम प्रेशर की बात करें तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड और डियर स्टूडेंट्स आप सभी को आ, जो प्रेशर है या टेंशन है उसे ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि मृदा जो है जल जल जो हैं वो मृदा मृदा के साथ एक निश्चित तनाव पर निश्चित तनाव पर आ, उपस्थित होते हैं इसमें आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन तीन तरह के जो फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं ग्रेविटेशनल वाटर कैपलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये फॉर्म्स हो गए अगर हम जल स्थिरांक की बात करें जल स्थिरांक जो कि मृदा में मौजूद जो जल हैं वो कितने तनाव पर उपस्थित हैं उसे हम जल स्थिरांक में नापते हैं जो कि मुख्य रूप से चार तरह की होती हैं पहला होता है फील्ड कैपेसिटी दूसरा होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तीसरा होता है अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट और चौथा होता है हाइग्रोस्कोपिक ऑफिशेंट तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर है ग्रेविटेशनल वाटर या फ्री फ्लो वाटर जिस समय मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों जल से भरे रहते हैं और मुक्त रूप से ये जल गतिशील होते हैं या फ्री फ्लो होते हैं ग्रेविटेश ग्रे, ग्रेविटी के प्रभाव में इसमें जो प्रेशर होता है ग्रेविटेशनल वाटर में ये आप ध्यान रखेंगे या नोट कर लें इसे ग्रेविटेशनल वाटर में वह जल आते हैं जो कि मृदा के साथ लगभग पॉइंट थ्री बार शून्य दशमलव तीन बार पर उपस्थित होते हैं और अगर हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें तो एटमॉस्फेरिक वन वन बार जो होता है इट इज़ इक्वल टू पॉइंट नाइन एट प्रेशर पे मौजूद होता है मतलब करीब करीब दोनों की वैल्यू समान होती है एक बार बराबर पॉइंट नाइन प्रेशर तो या एक बार पॉइंट नाइन या एक बार को हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मान सकते हैं लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ जो होती हैं बार में निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इसी तरह से कैपलरी वाटर जो होती हैं वो माइनस पॉइंट थ्री बार से लेकर माइनस थर्टी वन बार के बीच तना बीच के तनाव में मौजूद रहती हैं और उसी तरह से जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हैं जो जो कि वाष्प के रूप में मौजूद रहती हैं ये इनका जो तनाव होता है माइनस थर्टी वन टू माइनस टेन थाउजेंड बार के तनाव में ये मौजूद रहती हैं अगर हम इसे मेगा पासकल में कन्वर्ट करें जैसे हम ग्रेविटेशनल वाटर हैं पॉइंट थ्री बार इसे हम मेगा पासकल में कन्वर्ट करें तो मेगा पासकल बार को कन्वर्ट करने के लिए एक बटे दस से इसे हम आ, गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट थ्री बार है वो मेगा पासकल में पॉइंट जीरो थ्री बार मेगा पॉइंट जीरो थ्री मेगा पासकल हो जाएगा या कैपलरी वाटर जो कि पॉइंट माइनस पॉइंट थ्री बार में है वह हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री मेगा पासकल तो इसे हम मेगा पासकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने बार की वैल्यू बताया माइनस वन बार इज़ इक्वल टू पॉइंट नाइन एट एटमोसफेरिक प्रेशर तो इस स्थिरांक को ध्यान में रखना जरूरी है कि जैसा कि मैंने बताया कि फील्ड कैपेसिटी विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जिसकी जिसमें आप तनाव देख सकते हैं ये कि जो सेचुरेशन वाली जब अवस्था रहती है सेचुरेशन जब पूरी तरीके से मैक्रोपोर और माइक्रोपोर जल से भरे हों उस समय जो तनाव होता है वो ज़ीरो होता है फील्ड कैपेसिटी फ़ील्ड कैपेसिटी जैसे मैंने बताया कि मैक्रोपोर से जल निकलने के बाद माइक्रोपोर में मौजूद जल को हम उस समय जो जल का जो तनाव होता है वो फील्ड कैपेसिटी कहलाता है और उस समय जो तनाव होता है वह माइनस पॉइंट थ्री बार होता है इसमें माइनस साइन नहीं दिया है लेकिन वो माइनस में होता है माइनस पॉइंट थ्री बार या मेगा पासकल में बोलें तो माइनस मेगा पासकल में पॉइंट ज़ीरो थ्री मेगा पासकल उसी तरह से विल्टिंग पॉइंट विल्टिंग पॉइंट भी दो तरह के होते हैं एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वह स्थिति है जब पौधे को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में पौधा मृदा में मौजूद जो जल हैं अगर हम उसे इरिगेट कर दें तो पुनः वो वापस से ग्रोथ शुरू कर देता है लेकिन अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट वह स्थिति होती है जब पौधा पुनः अपना जीवन चक्र शुरू नहीं कर सकता बल्कि वह मृत हो जाता है तो विल्टिंग पॉइंट में परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में जो प्रेशर जो तनाव होता है माइनस फिफ्टीन बार का होता है या मेगा पासकल में बोलें तो इसे वन पॉइंट फाइव मेगा पासकल का प्रेशर होता है उसी तरह से जो हाइग्रोस्कोपिक काफिशियंट है हाइग्रोस्कोपिक काफिशियंट जो कि बिल्टिंग पॉइंट के बाद आता है परमानेंट बिल्डिंग के पॉइंट के बाद वह होता है माइनस थर्टी बार या थ्री मेगा बार को हमने बताया मेगा पासकल में कन्वर्ट करने के लिए एक बटे दस से उसे गुणा करना पड़ता है तो माइनस थर्टी बार जो है थ्री मेगा पासकल के बराबर होता है <coughs> हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशन में उसके बाद अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो माइनस uh, सिक्सटी बार से लेकर माइनस सिक्सटी या माइनस सिक्स मेगा पासकल होता है तो ये चार वाटर uh, कॉन्सटेंट्स हैं जिसे ध्यान में रखना ज़रूरी है और ये क्लासिफिकेशन है वाटर के तो जो जल की जो उपलब्धता है या जल का जो जो बिहेवियर है मृदा में या जल की जो गतिशीलता है वह सॉइल के स्ट्रक्चर सॉइल के टेक्सचर उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल की परमिबिलिटी इत्यादि पर आधारित होती है तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सॉइल टेक्चर से तात्पर्य है कि वह सुपरफाइन है या फिर आ, आ, उसमें वह मिनरल फ्रैक्शन को बताता है जो कि सैंड है या सिल्ट है या क्ले क्ले का प्रोपोर्शन कितना है तीनों का प्रोपोर्शन कितना है उस चीज़ को ये बताता है और साथ ही साथ सॉयल टेक्सचर जो है वह इनके अरेंजमेंट को प्रदर्शित करता है कि वह प्रिजमेटिक है कि कॉल्यूमिनर है इस तरह से उनका अरेंजमेंट किस तरह से है उसको प्रदर्शित करता है और ये दोनों चीज़ें रूट के ग्रोथ को साथ ही साथ वाटर की गतिशीलता को वाटर के मूवमेंट को प्रभावित करती है और साथ ही साथ परमिबिलिटी को भी प्रभावित करती हैं और पोरोसिटी को भी प्रभावित करती हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं सैंड सिल्ड क्ले सैंड चूँकि ये बड़े कण आकार uh, वाले होते हैं और इसमें मैक्रोपोर्स uh, ज़्यादा होते हैं इसलिए इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है वहीं क्ले सॉयल जो होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है तुलनात्मक रूप से अतः इनका सरफेस एरिया अधिक होता है और सरफेस एरिया अधिक होने के कारण वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है इसलिए सैंड सॉयल में अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और क्ले सॉयल में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है चूँकि क्योंकि उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉयल की ज़्यादा है और जो फाइन सैंडी सॉइल है उसमें सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है या अवेलेबल वाटर